ओके okay. कोई डाउट है किसी को कुछ भी स्क्रीन इज विजिबल नो इश्यूज कोई डाउट नहीं है क्या कर रहे तुम लोग फ़ोन में आज तो कोई मैच नहीं है तो क्या देख रहे मैच स्कोर सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरियंस तो कल हमने दो मेजर्स पढ़े थे स्प्रेड के क्या क्या पढ़े थे रेंज एंड आई क्यू आर ठीक है नाउ टू आर दोफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज आई क्यू आर फिर भी इफेक्ट नहीं होता रेंज होता है हम सारे वैल्यूज कंसिडर नहीं करते हैं देर आर फ्यू डिसएडवाटेजेस विच आर देर बट आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस एज वेल दोनों पढ़ेंगे दोनों अलग हैं एंड ये हम लोग इससे समझेंगे कि हाउ वी कैन यूज द एंटायर डेटा सेट टू कैलकुलेट और टू अंडरस्टैंड द स्प्रेड ऑफ आर डेटा ठीक है सो ये पहली बात तो दो डेटा गिवन है आप लोगों को पहला डेटा अगर आप लोग देखो ये वाला कैन यू सी द ब्लू पॉइंट्स ब्लू डॉट्स एंड यहाँ पे दिख रहा है ब्लू डॉट्स सो इसका ऑन एवरेज अगर आप लोग इसका एवरेज निकालो इस डेटा का ये डेटा क्या है थ्री क्या क्या है बोलो थ्री फोर फोर फाइव 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 सिक्स एंड सेवन इसका एवरेज कितना आ रहा है क्या आ रहा है एवरेज एवरेज क्या आ रहा है इसका बोलो हाँ फाइव आ रहा है एवरेज तो फाइव इज द एवरेज एवरेज के लेफ्ट साइड और राइट right साइड में देख रहे हो ज़्यादा वेरिएबिलिटी वेरिएबिलिटी या फिर ज़्यादा स्प्रेड नहीं है करेक्ट ज़्यादा स्प्रेड देख रहे हो नहीं है सिमिलरली इसका एवरेज निकालते हैं चलो ज़ीरो वन वन टू थ्री थ्री सेवन सेवन तीन बार सेवन है एंड एट इसका निकालो एवरेज क्या है थ्री पॉइंट नाइन ओवर ह्योर तो ये जो आपका मीन है अब इसके लेफ्ट साइड में और इसके राइट साइड में वैल्यूज देखो काफी ज्यादा स्प्रेड आउट है काफी ज्यादा स्प्रेड आउट है सो वी कैन से दैट द वेरिएबिलिटी और द स्प्रेड ऑफ डेटा बी इज कंपेरेटिवली वेरी लार्ज टू दर्स्ट डेट और दैट यू कैन सी हम लोग क्या देख रहे हैं हाउ द वैल्यूज दीन और दिस इज योर एवरेज तो आपके वैल्यूज कितने स्प्रेड है अक्रॉस द एवरेज दैट इज द स्टैंडर्ड डिशन ठीक है बेसिक आइडिया लगा ठीक है उसको कैलकुलेट करना सीखते हैं सो फॉर एग्जाम्पल ये आपको ग्रुप ऑफ डेटा गिवन है थ्री फोर फाइव फाइव सिक्स सेवन ठीक है तो हम लोग सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग डिविये देख रहे हैं कि कैसे आपका मीन के अराउंड आपके जो वैल्यूज हैं वो कितने डिविएटेड हैं यू आर कैलकुलेटिंग द डिशन यू आर चेकिंग द डिशंस राइट फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू कि मेरे स्टूडेंट्स uh, का एवरेज मार्क्स इज सेवेंटी खाली दैट इज नॉट द फाइनल समरी अब मेरे से कोई पूछेगा आप बताओ कि डिविएशन्स कितने होते हैं तो मैं बोलूँगी मान लो आपका डिविएशंस होता है प्लस माइनस टेन इसका क्या मतलब है कि सेवेंटी के सिक्सटी एंड एट्टी समवेयर अराउंड इसके डिविएशंस हैं करेक्ट सो वी फोकस ऑन डिविएशन्स अब वही चीज़ मैं बोलूँ मेरा एवरेज है सेवेंटी बट माई डिविएशन इज ट्वेंटी मतलब फिफ्टी टू नाइंटी आपका रेंज जा रहा है करेक्ट ये एकदम बेसिक है पूरे डेटा का सो इफ यू हैव दिस नंबर्स इसका हमें स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है इसका हमें स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे सबसे पहले डिविएशन कैलकुलेट करते हैं डिविएशन अराउंड मीन तो हमें मीन चाहिए तो सबसे पहले क्या निकालेंगे मीन मीन इज कमिंग एज फाइव ठीक है मीन आ गया अब मीन के अराउंड पे अगर हम लोग डिविएशन निकालेंगे तो कैसे निकलेगा थ्री माइनस फाइव इज माइनस टू माइनस वन जीरो जीरो वन टू दीज आर द डिविएशन व्हिच इज कैलकुलेटेड एज एक्स आई माइनस एक्स बार यस दीज आर द डिविएशन अब ये जो डिविएशन है अब मेरे को सपोज एवरेज डिविएशन निकालना है तो आप क्या करोगे सिंपली इन सब एवरेज निकाल लोगे एवरेज डिविएशन निकालने कितना आ रहा है जीरो आ रहा है तो हमेशा हमेशा जब भी नंबर्स को मीन से माइनस करोगे और फिर उसका एवरेज निकालोगे तो हमेशा ज़ीरो आएगा हमने क्या किया हमने सारे नंबर्स को मीन माइनस किया ना सबसे और फिर उसका एवरेज निकाला तो ज़ीरो आ रहा है ना ऐसा क्यों आ रहा है एकदम बेसिक एग्जाम्पल समझते हैं ये हमारे को नंबर्स गिवन है नंबर्स गिवन है इसका मीन कितना आ रहा है आ रहा है सबसे टू माइनस करो अब इसका एवरेज निकालो हमेशा जब भी आप नंबर से एवरेज कल हमने क्या सीखा था जब हम लोग ट्रांसफॉर्मिंग डेटा कर रहे थे अगर आपको मीन गिवन है और आप उससे कि अगर आपको नंबर्स गिवन है आप मीन निकाल फिर आप उससे कोई नंबर माइनस करो तो आपका न्यू मीन न्यू एक्स बार वॉज वॉट ए एक्स बार प्लस बी गेस नो, ठीक है सो लेट्स सपोज ये जो बी है ये आपका हम माइनस कर रहे हैं किसको मीन कोई तो न्यू मीन आपका क्या हो जाएगा जीरो और एक तरीके से समझ सकते हो आप क्या कर रहे हो आपके पास ये नंबर्स हैं आप इस सब नंबर में से मीन माइनस करो लेट्स सपोज इज एक्स बार ठीक है तो हम लोग क्या करें वन माइनस एक्स बार टू माइनस एक्स बार एंड थ्री माइनस एक्स बार ये कर रहे हैं अब इसका मीन निकालने के लिए क्या करेंगे सबको एड एंड डिवाइडेड बाई थ्री तो क्या आएगा इन सबको ऐड करो सिक्स माइनस थ्री एक्स बार बाय थ्री विच इज नथिंग बट जीरो हाँ जीरो आ रहा है कैसे जीरो आएगा एक्स बार में आप आंसर डालो ना इसका करेक्ट या फिर अगर आप नहीं भी देखो वैसे तो सिक्स बाई थ्री इज वाट ये माइनस so, एक सेकेंड हाँ सही है ये थ्री नहीं होगा शायद फिर हाँ जीरो आ रहा है ना अगर इसमें टू डाल रहे हैं एक्चुअली आई वॉज ट्राइंग कि मैं आप लोगों को कुछ अलग तरीके से इसमें सिखाऊँ डेरीवेशन डेरीवेशन आता नहीं है बट आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुआ कि मीन से माइनस करें एंड इसमें अगर हम लोग डेरीवेशन करें तो ये जो b है इसके जगह आप x बार ले लो a कुछ नहीं हम लोग किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे तो आपका न्यू x बार क्या हो जाएगा x बार माइनस x बार माइनस करें ना तो माइनस एक्स बार ज़ीरो करेक्ट b की जगह बेसिकली माइनस एक्स बार है राइट right? तो वही चीज है कि हम लोग क्या हैं आइडियली या इसको अगर मैं तोड़ने का कोशिश कर भी लूं तो ये आपका हो गया सिक्स बाई थ्री माइनस थ्री बाई थ्री एक्स बार विच इज सिक्स बाई थ्री जीरो ना मीन uh, ना तो ये आपका जीरो यार है ठीक है so, सो इससे हम लोग क्या समझते हैं कि जब भी भी नंबर्स दिए हों सबको आप मीन से माइनस करके उसका एवरेज निकालोगे तो जीरो सो दिस इज नॉट हाउ वी कैन कैलकुलेट स्टैंडर्ड डि बिकॉज ऑब्वियसली वील ऑलवेज गेट अ जीरो तो स्टैंडर्ड डिविएशन में आपको किससे फर्क पड़ता है आपको प्लस माइनस से फर्क पड़ता है क्या कि आपके यहाँ पर अगर आपका मीन है तो इसके लेफ्ट साइड इसके राइट right साइड कितने वैल्यूज हैं आपको स्प्रेड से मतलब है कि आपको प्लस माइनस से मतलब है आपको यहाँ पे स्प्रेड से मतलब है आपको ये नहीं देखना कि कितना पीछे है कितना ज्यादा है वो दूसरा मेजर है वो स्क्यूनेस हो गया हम लोग जब स्क्यूनेस पढ़ेंगे द शेप दैट स्क्यूनेस स्प्रेड में जब बोल रहे हैं तब हम लोग को फर्क नहीं पड़ता कि कितना नेगेटिव है कितना पॉजिटिव है कितना इसके लेफ्ट में कितना राइट right में है हमें खाली देखना है कि कितना डिस्पर्ज है कितना डिविएटेड है वॉट इज द स्प्रेड

फाइव थ्री यार है माइनस टू माइनस वन जीरो जीरो वन टू इसका स्क्वायर करेंगे तो हम लोग क्या करें डिविएशन का स्क्वायर ठीक है एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर दिस इज एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर फोर वन जीरो जीरो वन फोर माइनस टू था माइनस वन था जीरो जीरो वन टू था तो उसका स्क्वायर किया स्क्र करने के बाद उसका एवरेज निकाल रहे हैं तो क्या है फाइव बाय थ्री ठीक है अंडरस्टूड दिस इज योर वेरियंस दिस इज योर वेरियंस दैट्स इट तो हमने क्या किया समझो एक बार देख लो एक्स वैल्यूज सबसे हमने एक्स बार माइनस किया उसका मीन नहीं निकाला पहले उसको स्क्वायर किया सबको ऐड किया एंड देन डिवाइडेड बाय एन किया क्लियर हाँ क्लियर है बोलो सारे एक्स के वैल्यूज में से एक्स बार माइनस किया उसका स्क्वायर किया सबको इंडिविजुअली ऐड किया एंड डिवाइडेड बाय n दिस इज योर वेरिएंस गॉट इट अंडरस्टूड यस अब स्टैंडर्ड डिविएशन एस डी इज नथिंग बट वेरियंस का स्क्वायर रूट विच मीन्स इट इज समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वेर डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर रूट दिस इज योर कैन वेरियंस एवर बी नेगेटिव कैन वेरियंस एवर बी नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता स्क्वेड है ना हम लोग तो डिविएशन का स्क्वायर ले रहे हैं हाउ इट कैन बी नेगेटिव सो इट कैन नेवर बी नेगेटिव कैन स्टैंडर्ड डिविएशन बी नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर कैन बी नेगेटिव नो वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं ठीक है सो वेरियंट स्टैंडर्ड डिविएशन इज ऑलवेज पॉजिटिव कैन एवरेज बी नेगेटिव कैन एवरेज बी नेगेटिव नेगेटिव नंबर्स का एवरेज नेगेटिव आ सकता है तो एवरेज नेगेटिव हो सकता है कैन मीडियम भी नेगेटिव हो सकता है कैन मोड भी नेगेटिव यस बट कैन रेंज भी नेगेटिव वाई नो रेंज नेगेटिव हो सकता है क्यों आपसे लूट होता है कोई भी तरीका से नेगेटिव आ रहा है। हाँ चलो माइनस टेन तो माइनस टू माइनस माइनस टेन और कोई तरीका है कोई तरीका है कैन रेंज एवर बी नेगेटिव नो कैन आई क्यू आर बी नेगेटिव नो कैन वेरिएंस बी नेगेटिव नो बिकॉज इट्स द स्प्रेड यू आर मेजरिंग द स्प्रेड स्प्रेड कैन नॉट बी नेगेटिव गॉट द पॉइंट अंडरस्टूड क्लियर ठीक है, कैसे so, कैसे निकालते है? Variance कैसे निकालते हैं, हैं, सारे numbers में से मीन माइनस करना है ये part क्या है, ये part deviation है, आपका उसका नहीं ले सकते, बिकॉज हम लोग देख रहे हैं जीरो आ रहा है डिविएशन ऑफ द नंबर अक्रॉस द मीन इज जीरो बट उसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमें प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता वी जस्ट वॉन्ट द डिविएशन कितना ज्यादा है कितना कम है नेगेटिव कितना है पॉजिटिव कितना है वो स्क्यूनेस में देखेंगे तब शेप पता चलेगा पॉजिटिवली स्क्यूड नेगेटिवली स्क्यूड कि एवरेज कल मैंने जो कराया था इफ़ यू आल रिमेंबर कि ये जो आपका मीडियन है मीडियन के या मोड है इसके लेफ्ट में कम वैल्यूज़ है राइट right में ज़्यादा वैल्यूज़ है दिस बिकम्स पॉजिटिवली स्क्यूड तो इसमें नेगेटिव डिविएशन्स कम है पॉजिटिव डिविएशन्स ज़्यादा हैं बट स्प्रेड का अगर बात करें इसी का इसी का स्प्रेड का बात करें वेरियंस का बात करें तो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता स्प्रेड मैं आप जब आप वेरियंस निकाल रहे हो आप शेप के बारे में नहीं बोल सकते तीन चीज हम पढ़ते हैं लोकेशन स्प्रेड एंड शेप लोकेशन हमने पढ़ा है मीन वेरियन मोड अब हम लोग पढ़े हैं स्प्रेड का थर्ड जो है मेजर विच इज योर वेरिएंस एंड शेप के लिए हम लोग स्क्यूनेस पढ़ते हैं गॉट द पॉइंट अंडरस्टूड ठीक है तो ये आपका निकल गया फॉर्मूला देख लो ये है नाउ हम लोग सैंपल डिविएशन जब निकालते हैं या सैंपल तो हम लोग एक डिफरेंस है डिवाइड करते हैं हम लोग एन माइनस वन दिस मीन्स एट एन ऑन एवरेज आर सैंपल वेरिएंस अच्छा एक सेकेंड सुनना ये आपका जो वेरिएंस का फॉर्मूला था सैनिडिविएशन uh, का फॉर्मूला था सैनिडिवेशन का फॉर्मूला था ना इसको हम लोग यूजअली बोलते हैं ये पॉपुलेशन के लिए वॉट डू यू मीन बाई पॉपुलेशन द इंटायर जैसे मैंने बोला था इंटायर एक्चुरल फर्टिनिटी हो गया उसमें से आई हैव वन थाउजेंड पीपल का डेटा तो वो इंटायर एक्चुरल फ्रटर्निटी जो है दैट इज माई पॉपुलेशन तो उसको हम डिवाइड करें एन से जो हम निकाल रहे हैं और जब हम लोग से वही चीज़ जब हम लोग एक स्मॉल स्केल फॉर एग्जाम्पल आई हैव हंड्रेड स्टूडेंट हंड्रेड स्टूडेंट्स का डेटा बेस तो एन माइनस वन से करें खाली ये बताना अभी के लिए कौन सा बड़ा वैल्यू आएगा ये वाला कि ये वाला ये वाला आपका थोड़ा बड़ा वैल्यू आएगा नाउ वॉट इज द रीजन कि हम एन माइनस वन से डिवाइड कर रहे हैं द ओनली रीजन इसकी आपके पास कंप्लीट डेटा नहीं है मेरे पास तो वन थाउजेंड लोगों का है कंप्लीट एक्चुअल फ्रटर्निटी का डेटा नहीं है फॉर एग्जाम्पल अभी इंडिया में वोट्स हो रहे हैं न्यू चैनल पे क्या आएगा एग्जिट पोल्स हैव बहुत जन यहाँ पे फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे फर्स्ट फर्स्ट टाइम टाइम वोटर्स वोटर्स कोई 18 नहीं है अरे अच्छे से हैंड रेस को तुम लोग को शौक नहीं हो रहा है वोट करने जाओगे ऐसे फिर वो लाइन इधर तुम लोग अगर ऐसा बोलोगे तो मतलब प्लीज डोंट शो दिस एटीट्यूड तो बेसिकली उन लोग एग्जिट पोल जो निकालते हैं क्या उन लोग एक वोटर से जाके पूछते हैं आपने किसको वोट दिया आपने किसको वोट दिया आपने किसको देगा the कौन जीतेगा कौन हारेगा राइट दैट इज वॉट द एक्चुअल हो सकते हैं ओवर एस्टिमेशन हो बट जनरली इट इज दिमेशन तो हमारा जो वेरियंस आ रहा है यूजिंग द सैंपल ये वाला या फिर स्टैंडर्ड डिविशन ये क्या है ये कम है कि ज्यादा ऐसे आप जब छोटे नंबर से डिवाइड करो तो आपका वैल्यू ज्यादा आएगा तो हो सकता है कि हमने सैम्पल ऐसा उठाया जहां वेरिएबिलिटी ज्यादा हो बट वही अगर आप पूरे पॉपुलेशन को ले लोगे तो वेरिएबिलिटी में भी उतना ज्यादा नहीं आए बट द डिफरेंस विल बी वेरी लेस बिकॉज n एंड n माइनस वन जस्ट वन का ही डिफरेंस है सो वेन यू आर डीलिंग विथ लार्ज नंबर्स फॉर एग्जाम्पल आई हैव 1000 सैंपल साइज है ना तो अगर मैं सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन निकालूंगी तो मैं क्या करूंगी मैं नाइन 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 से डिवाइड करूंगी एंड कोई भी एक नंबर ले लो इधर एक्स वाई जेड कोई भी एक नंबर ले लो एंड वही एक्स वाई जेड नंबर को आप थाउजेंड से डिवाइड करो डू यू थिंक यू विल गेट अ वेरी ह्यूज डिफरेंस ओवर योर do you think do you think but when you are dealing with smaller numbers like 5 6 obviously you'll get a difference understanding to so, isliye just to have that difference ki sample usually jab aap chote group ko lete ho to ho sakta hai usme deviation zyada aaye hum n minus 1 se divide karte but population हो सकता है उतना deviations नहीं throw करे आपको तो हम n से divide करते हैं इज दिस क्लियर ठीक है ठीक है आ, ये हो गया नाओ सेम थिंग आपका सैम्पल वेरियंट्स के लिए एन माइनस वन से डिवाइड करते हैं अब इसको ना ये एक तरीका था मैंने क्या दिखाया आप लोगों को आप लोगों को डेटा गिवन है मीन से माइनस करोगे स्क्वायर करोगे डिवाइडेड बाय एन माइनस वन करोगे सैंपल वेरियंट्स के लिए पॉपुलेशन के लिए डिवाइडेड बाय एन करोगे बट देर आर अनदर देर आर लॉट्स ऑफ वेज ऑफ कैलकुलेटिंग वेरियंट्स एक और ईजी वे है इसका डेरिवेशन मैं करके दिखाऊंगी ठीक है इस वाले पूरे चीज का आई विल शो यू द डेरीवेशन सो लेट्स ए सपोज आप लोग लिख लेना बिकॉज इट्स नॉट देयर यहाँ पे एन माइनस वन लिख लेते हैं समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर आते हैं क्या होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वा माइनस टू ए बी ये होगा ये होगा ये तो बाहर है ना समेशन का साइन समेशन समेशन का साइन तो बाहर है येस और नो देख लो तो अब इसको हम लोग करेंगे इसको और हम लोग ओपन करेंगे तो क्या आएगा ध्यान से देखना बार देख लो पहले सब लोग <coughs> ये एक्स बार जो है इस दर इज कांस्टेंट वैल्यू मीन है ना तो मीन तो गिवन है और ये जो समेशन हो आप ये किसका कर रहे हो आई गोज फ्रॉम वन टू एन ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स बट एक्स बार विच इज ऑलरेडी अ गिवन कॉन्स्टेंट वैल्यू उसका समेशन करें एन टाइम्स तो वो क्या हो जाएगा एन हो जाएगा ना एन एक्स बार एन एक्स बार हो जाएगा ना आप एक्स बार को एन टाइम्स एड कर रहे हो यस और नो बोलो तो इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं ये जो है इसको एक बार के लिए ना मैं ऐसे ही लिख रही हूँ माइनस ये वाला जो है टू ध्यान से देखना एक बार टू ये जो पार्ट है समेशन एक्स समेशन एक्स है वॉट इज योर एक्स बार समेशन एक्स बाय एन तो एन एक्स बार इज समेशन एक्स यस और नो सो कैन आई राइट समेशन एक्स एज एन एक्स बार एक और एक्स बार है प्लस ये वाला हो जाएगा एन एक्स बार स्क्वेर यस अंडरस्टूड ठीक है अब देखो क्या हो गया ये टू माइनस टू एन एक्स बार स्क्वेर लिख देती हूं मैं क्या आएगा दिस इज योर अनदर वे ऑफ कैलकुलेटिंग मतलब कैसे कर रहे हैं एक बार सुन लो ये जो x है ये सारे x के वैल्यूज हैं उसका स्क्वायर करके समेशन ले रहे हैं माइनस एन नंबर ऑफ एक्स डिवाइ मल्टीप्लाइड बाई एक्स बार का स्क्वायर इन थिंग डिवाइडेड बाय एन माइनस वन विल गिव यू द सेम आंसर अब लेट्स से सपोज पॉपुलेशन वेरिएंस निकालते तो एन माइनस वन के जगह पे क्या होता एन होता तो वन माइ वन बाय एन यार है ब्रैकेट ओपन यार है पॉपुलेशन वेरिएंस यहाँ पे वॉट इज दिस कलम ने पढ़ा था इसको क्या बोलते हैं हा सेक ऑर्डर मोमेंट सेकेंड ऑर्डर मोमेंट एम टू पढ़ा था मैंने बोला था मीन मीन का मैंने नहीं बोला दैट्स अ सेंट्रल मोमेंट वो अलग है ये हो गया सेकेंड ऑर्डर मोमेंट एम टू सेकेंड ऑर्डर मोमेंट माइनस एक्स बार स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का समेशन बाय एन एवरेज एक तरीके से ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर एक बार इसको कॉपी करो फिर हम लोग सेम डेटा है उसको इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे आंसर सेम आ रहा है क्विकली कॉपी दिस प्रूफ एंड किसी को नहीं समझ में आया तो पूछो uh, नहीं यू आर नॉट ऑडिबल प्रशिता ये बंद है क्या देखो ना oh, कौन बन था इसमें Me, हाँ बोलो अभी डल गया है ड्राइव पे जहाँ से आप क्लासेस देख रहे हो ma am, ma am, था, तो doubts, मैं देख रही हूँ बॉक्स Continuous डेटा cannot बी represented यूजिंग डॉट प्लॉट प्रशिता डॉट प्लॉट इज ओनली फॉर डिस्क्रीट नहीं मतलब बहुत मुश्किल है आप थोड़े बहुत वैल्यूज़ कर सकते हो बहुत सारे वैल्यूज़ हो गए तो आप कैसे करोगे सो जनरली वी डोंट यूज इट हिस्टोग्राम सिखाया था मैंने हाँ बोलो हम्मी hmm. तो वो, वो डिपेंड करते है। अगर क्लास आपका क्लास विथ सेम है तो आप फर्स्ट वाला यूज करोगे क्लास विथ सेम नहीं है तो आप फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वाला यूज करोगे बस ऐसा कुछ नहीं कि एक ज्यादा यूज होता है हाँ क्या फिर से वो तो सही था थर्ड वाला ग्राफ सही था सेकंड वाला ग्राफ सही नहीं था 48 इज आस्किंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मैं बता दूंगी अभी ये अ द द स्टैंडर्ड डिवियशन को स्क्वायर नहीं किया था डिविएशन को स्क्वायर किया था बिकॉज अगर उसका एवरेज निकाल रहे थे तो जीरो आ रहा था तो वो हमेशा जीरो आएगा ना ये वाला देखो ये आपका हमेशा ज़ीरो आएगा आप जब नंबर्स में से स्टैंडर्ड सॉरी एवरेज माइनस करोगे तो ये आपका डिविएशन होता है इसको हम डिविएशन बोलते हैं राइट अब आप डिविएशन का एवरेज निकालोगे तो वो हमेशा आपका क्या आएगा ज़ीरो आएगा तो इसीलिए हम उसको स्क्वायर करते हैं बिकॉज वी आर नॉट विद द प्लस और माइनस वेदर इट्स प्लस और माइनस वी आर जस्ट बॉर्दर्ड अबाउट की हाउ बिग और हाउ स्मॉल इज योर डिविएशन दैट्स इट ठीक है हा जीरो आता है दैट इज ओनली द बिगेस्ट रीजन वरना वीरियंस निकालोगे कैसे और क्या डाउट था हाँ वेरियंस और सैनिडिजेशन सो स्टैंडर्ड सैनिडिजेशन और वेरियंस का क्या डिफरेंस है समझते हैं इसको ये आप लोगों ने लिख लिया वो उस पर आएंगे पहले ये वाला कैलकुलेशन कर लिया अब ये सेम तरीके से इसको कैलकुलेट करो तो इन नंबर्स को ये जो आपको इधर नंबर्स गिवेन थे ये वाला डेटा जो है पहले इसका स्क्वायर करो क्या आएगा नाइन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव इसका वो निकालो समीशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार स्क्वायर क्या आ रहा है समीशन एक्स स्क्वायर वन सिक्सटी बाय सिक्स माइनस फाइव का स्क्वायर कितना आ रहा है गलत बोल रहा वन पॉइंट बेसिकली फाइव बाई थ्री हाँ विच इज सेम एज दिस वॉट वी कैलकुलेटेड यहाँ पे फाइव बाई थ्री वेरियंस तो दोनों तरीके से यूजअली देखोगे हम ये मेथड यूज करते हैं इट्स ईजी हो ना अब देखो आप सब में से वेरियंस माइनस करोगे मीन uh, माइनस करोगे सॉरी फिर आप उसका स्क्वायर करोगे यहाँ डायरेक्टली क्या कर सकते हो यू ऑल इन योर कैलकुलेटर कैन फीड एक्स एंड समेशन एक्स स्क्वायर ऑलरेडी होता है स्टार्ट वाले मोड में जाके सम वाले में जाओगे तो समेशन स्क्वायर होता है तो समेशन एक्स स्क्वायर है डिवाइड बाय एन है माइनस मीन है डायरेक्टली निकलेगा बट अदरवाइज आपको ये जो डिविएशन है वो निकालना पड़ेगा गॉट इट अंडरस्टूड ठीक है बोलो थक गया क्लियर चलो हाँ अब माइंड इसको क्यों स्क्वायर स्टैंडर्ड डिविशन इसमें क्या डिफरेंस है मैं बता देती हूँ स्टैंडर्ड जो हम लोग मीन मीडियन मोड ये सब निकालते हैं फॉर एग्जाम्पल आई हैव हाइट्स ऑफ टेन स्टूडेंट्स ठीक है इन मीटर्स ठीक है टेन स्टूडेंट्स का मेरे पास हाइट है इन मीटर्स उसका मीन निकाल लिया एवरेज हाइट उसका stand, उसका वेरियंस निकाल रहे हो वेरियंस में आप क्या कर रहे हो डिवियेशन का स्क्वायर सपोज आपको ये डेटा है वन टू थ्री ये आपके एवरेज हाइट है ऑफ स्टूडेंट्स लेट्स सपोज इसका हम लोग क्या करते हैं एवरेज निकाल लिया टू आया सो so ये टू मीटर इज द एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स इससे जब आप माइनस करो मीन तो ये जो माइनस किया मीन ये जो डिविएशन निकला ये अभी भी मीटर्स में ही है मीटर्स में ही है ना मीटर माइनस मीटर मीटर है ना ये मीटर्स में है फिर आप इसका एवरेज निकाल रहे हो बट यहाँ हम लोग क्या करते हैं जब हम लोग वेरियंस निकालते हैं हम लोग डिवियशंस का स्क्वायर करते हैं और फिर उसका एवरेज निकालते हैं तो आप मीटर का स्क्वायर कर रहे हो फिर उसको एवरेज कर रहे हो तो आपका बेसिकली जो वेरियंस आ रहा है वो मीटर स्क्वायर में आएगा यस नो डिवियशन का स्क्वायर बाय एन एन इज नंबर उसका कोई यूनिट नहीं है मीटर वीटर नहीं है नंबर है और न्यूमरेटर में आपका मीटर स्क्वायर हो गया तो रूट ले तो, so, तो क्यों हम लोग है सेम चीज खाली स्क्वायर रूट कर दे रहे हैं या फिर स्टैंडर्डिएशन टू वेरियंस आ रहा है उसको स्क्वायर कर दे रहे क्यों निकाल रहे हैं ताकि आप समझा पाओ सपोज मैंने बोला कि मेरा मीन एवरेज इज टू मीटर्स एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज थ्री मीटर्स तो आप लोग थ्री मीटर्स जब बोलोगे तो आप लोग बोल सकते हो कि टू से इधर थ्री एंड इधर थ्री ये आपका स्टैंडर्ड डिविएशन हुआ बट आप जब मीटर स्क्वेयर में वेरिएंस में बात करोगे तो समझाने में विद रिस्पेक्ट टू मीन डिफिकल्ट होता है नाउ व्हाई डू वी कैलकुलेट वेरिएंस इज बिकॉज बहुत केसेस में छोटा आता है स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत ज़्यादा तो so, वेरियंस अगर आपको तीन चार डेटा कंपेयर करना है तो आप खाली वेरियंस से भी कंपेयर कर सकते हो किसका वेरियंस ज्यादा है किसका वेरियंस कम है एन अकॉर्डिंगली ठीक है तो दोनों मेजर हम यूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन गॉट इट यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है ओके okay. नेक्स्ट करते हैं आ जाओ अब uh, हम लोग का सो इसका क्या एक बेनिफिट भी है सैम्पल वेरियंस का बेनिफिट ये है वी आर यूजिंग ऑल द डेटा सेट जो हमने रेंज में नहीं किया था जो हमने आई क्यू आर में नहीं किया था वी आर यूजिंग ऑल द डेटा सेट अगेन दिस इज़ अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू कोई एक बहुत एक्सट्रीम लार्ज नंबर आ गया तो आपका वेरियंस अचानक से बहुत इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द लार्ज डिविएशन इन द डेटा तो वेरियंस इज अगेन अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज़ बट इट गिव्स यू अ गुड मेजर गुड आइडिया एंड यू कैन यूज इट फॉर द फ्यूचर कैलकुलेशन एज वेल अब देखो हम लोग ने क्या पढ़ा था कल मोमेंट्स फर्स्ट ऑर्डर मोमेंट विच इज योअर मेन सेकेंड ऑर्डर मोमेंट थर्ड ऑर्डर मोमेंट थर्ड ऐसे हम लोग डिफरेंट मोमेंट्स पढ़ते हैं राइट मोमेंट जब मैं बोलती हूँ खाली फर्स्ट ऑर्डर मोमेंट इज वॉट मीन विच इज वॉट समेन एक्स बाय एन ठीक है दिस इज जस्ट मोमेंट एक होता है टर्म सेंट्रल मोमेंट ठीक है सेंट्रल मोमेंट इज बेसिकली जब आप एक्स आई माइनस एक्स बार सेंट्रल द वर्ड सेंट्रल ये जो वर्ड सेंट्रल है ये बेसिकली मीन के लिए है <coughs> आप क्या कर रहे हो आप अपने सारे एक्साइज को एक्स माइनस हो उसे उसका हो दिस इज बेसिकली वेरियंस काम बोल रहे हैं इन जनरल अगर मैं बोलूं फर्स्ट ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट तो फर्स्ट ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट ऐसा होगा एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर के एट ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट हो जाएगा एक्स आई माइनस एक्स बार टू पार के ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर ये हो गया आपका के एथ ऑर्डर डिवाइडेड बाय एन सेकेंड ऑर्डर विल बी दिस विच इज नथिंग बट वेरियंस अब इसको द वर्ड सेंट्रल मोमेंट मोमेंट क्या था खाली समेन एक्स बाय एन एन एक्स एक्स स्क्वायर बाय टू समी पार के बाय एन दैट वाज मोमेंट के मोमेंट सेंट्रल मोमेंट मतलब आप मीन माइनस कर रहे हो आप डिविएशन का एवरेज निकाल रहे हो गॉट इट गॉट इट अब ये जो खाली मोमेंट बोल रहे थे उसको आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो कि हम जीरो माइनस कर रहे हैं यहाँ पे तो मोमेंट अराउंड जीरो भी बोलते हैं उसको या तो खाली मोमेंट बोलो या मोमेंट अराउंड जीरो भी बोल सकते हैं आप क्या हो एक्स माइनस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है ना इधर करेक्ट आप अगर किए थोड़ा मोमेंट निकालोगे विच इज इक्वल टू वॉट जीरो का कोई वैल्यू नहीं है ये सैंपल नहीं होगा सैंपल ये है बट एक्चुअल में यू नो वर्ट यहां पे जो हम लोग केएथ निकालते हैं ना तो हम लोग N से भी डिवाइड कर सकते हैं नॉट एन इशू नॉट एन इशू तो आप लिख सकते हो गलत नहीं है ये था सेंट्रल मोमेंट अब अगर हम लोग बोलेंगे मोमेंट अराउंड एनी वैल्यू सेंट्रल वर्ड सेंट्रल इज ऑलवेज मीन के लिए अगर मैं बोलूंगी मोमेंट अराउंड जीरो था वो वाला फर्स्ट हम लोग बढ़ते मोमेंट अराउंड एनी रैंडम नंबर एल्फा एल्फा बीटा आप लोग को आता है ग्रीक लेटर्स हाँ ये हिब्रू नहीं है ग्रीक है एल्फा बीटा और क्या क्या आता है गामा मतलब मैं गामा ऐसे लिखती हूँ बहुत जन ऐसे पता नहीं अजीब तरीके से भी लिखते हैं कुछ पता नहीं कैसे वाई जैसे लिखते हैं मैं ऐसे लिखती हूँ गामा हाँ म्यू इज दिसमडा और क्या आता है थीटा और हाँ अच्छा आप लोग ट्राइंगल वाला डेल्टा बोल रहे हो ठीक है दोनों डेल्टा होता है दिस डेल्टा इज़ फॉर वेरी स्मॉल कैलकुलेशन एंड दिस इज फॉर अ लिटिल बिग हम लोग यूजली डेल्टा को बोलते हैं चेंज इन द वैल्यू दिस इज अ स्मॉल चेंज दिस इज अ लिटिल लार्जर चेंज ठीक है वैसे ही और भी आप लोग पढ़ोगे जो हम लोग बोलते हाँ बोलो पाई पाई ठीक है और जाय सुना जाय जाय भी पढ़ोगे और बोलो हाँ huh? ओमेगा तो ये सब ओमेगा उतना नहीं पढ़ते ओमेगा उतना नहीं पढ़ते हैं. बहुत सारे आप लोग पढ़ोगे ग्रीक लेटर्स चलो गॉड अल्फा आते हैं तो एनी नंबर एनी नंबर यू आर सब्ट्रैक्टिंग तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मोमेंट uh, नहीं बोलेंगे मोमेंट अबाउट द वैल्यू एल्फा के मोमेंट अबाउट द वैल्यू एल्फा तो यहाँ पे जस्ट एल्फा है इंस्टेड ऑफ मीन गॉट इट इसको हम लोग पॉपुलेशन मीन बोलते हैं बाई द वे ठीक है अब हम लोग पढ़ते हैं स्क्यूनेस आ जाओ तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा लेटमी सी हाँ एक चीज और कराने मुझे बोलो होगा। एन होगा हो जब आप लोग वेरेंस निकालते हो ना देखो जब हम लोग सेंट्रल मोमेंट बोल रहे हैं आप ये स्पेसिफिक केस नहीं बोल रहे हो या आप जेनरिक क्लास बोल रहे हो तो इसीलिए एन से कर रहे हैं बट जब आपको स्पेसिफिकली बोला जाए सैम्पल वेरियंस तो एन माइनस वन से डिवाइड करेंगे हम लोग देखेंगे स्क्यूनस बोला जाएगा तो एन माइनस वन से करेंगे सैम्पल बट यहाँ पे जैसे मैंने बोला डजेंट मैटर इवन इफ यू कैन इग्नोर दिस वर्ड अगर कुछ नहीं बोला जाता है हम एन ही लेते हैं And we call it sample moment because you don't have the entire data. We consider we always have a sample data. We can never have a population data. theek hai that's the only reason. iske pehle na kuch sums karwane में को, so we'll do that first. अगर frequency grouped frequency distribution आएगा, तो इसका हम लोग निकाल सकते हो variance कैसे निकलेगा? Midpoints आ जाएंगे, that becomes your x values. Frequency आ जाएगा, तो आप लोग ऐसे निकालोगे mid point विच इज योर एक्स पहले मीन निकाल लोगे मीन कैसे निकालते मिड पॉइंट इन फ्रीक्वेंसी सबका एडिशन डिवाइडेड बाय टोट सम ऑफ़ फ्रीक्वेंसी वो मीन आ गया एंड हर एक मिड पॉइंट से वो मीन माइनस करेंगे स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन गिव्स यू ठीक है वेरेंस या आप लोग कर सकते हो सम करना है क्या सम हाँ मेहनत तो तुम लोग से होगा ही नहीं ऑलवेज रेडी टू से नो एक चीज करते हैं पर स्टैंडर्ड डिविएशन जो है हमने जैसे वो पढ़ा था ना कि मेन में हम कुछ माइनस कर रहे थे सब कर रहे थे तो वो चेंज हो रहा था वैसे वेरियंस में भी करते हैं सो लेट मी ओपन फाइल यहाँ पे टाइम अभी बहुत बचा हुआ है मेरा कान बहुत तेज है ये भी सुन गया कि तुम लोग ये बोलो कि इसको सुन कैसे गया इधर ऐड कैसे कर करेंगे राइट नोट आ गया ना हुँ. तो ट्रांसफॉर्मिंग डेटा में एक पहले सेट ऑफ वैल्यूज ले लो टू फोर नाइन इसका मेरे को तुम लोग स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिविएशन निकाल के बताओ जिसको हम एस बी रिप्रजेंट करते हैं स्मॉल एस लिखा है मैंने विच इज सैंपल एक बार सुन लो प्लीज ये एस होता है सैम्पल स्टैंडर्डिविएशन सिग्मा ये सिग्मा होता है पता है ना ग्रीक और ये होता है सिग्मा स्क्वायर सिग्मा इज पॉपुलेशन स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिविएशन एंड दिस इज योर पॉपुलेशन लिख लो इसको सो वेन आई एम राइटिंग जस्ट एस विच मीन्स आई वॉन्ट यू टू कैलकुलेट सैम्पल डिविजन विच मींस यू नीड टू डिवाइड योर वैल्यूज बाय एन माइनस वन ठीक है एंड वेरियंस हो जाएगा कैपिटल वी या ऐसे करके भी लिखते हैं सैम्पल वेरियंस अगेन ये तभी होता है आप ना अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाए कुछ भी तो आप दोनों लिख सकते हो। क्वेश्चन में बोले निकालो लिख के दोनों दिए होते हैं तब साथ में, this is what we take it as. चलो ये निकालो। इसके पहले आपको ऑब्वियसली क्या निकालना पड़ेगा एक्स बार निकालो एक्स बार फाइव आ रहा है सबका कैसे आया फाइव एड करके डिवाइड बाई थ्री क्या ना थ्री माइनस वन नहीं किया ठीक है थर्टीन आ रहा है रूट थर्टीन हाँ फाइव और स्टैंडर्ड डिविएशन अगर हम लोग करेंगे टू माइनस फाइव प्लस फोर माइनस फाइव प्लस नाइन माइनस फाइव डिवाइडेड बाय थ्री करेंगे टू करें इसका रूट ना इसका रूट कितना आया रूट थर्टीन ठीक है इसको और कैसे कर सकते थे फोर प्लस सिक्सटीन प्लस एटी वन समीशन एक्स स्क्वे माइनस फाइव का स्क्वायर समीशन एक्सक्वायर वन बाय एन करना चाहिए था एन माइनस वन क्योंकि सैंपल निकाल रहे हैं तो ध्यान रखना इट इज वन लाइक दिस ये होता है ठीक है ना सैंपल में एन माइनस वन है ध्यान रखना ये हो गया अब इसमें एक काम करो <coughs> सारे नंबर्स में लेट्स डू वन थिंग सारे नंबर्स में माइनस थ्री कर देते अगर हम लोग इसका डॉट प्लॉट बनाए तो कैसा बनेगा यू हैव टू यहां पे, यू हैव फोर एंड यू हैव नाइन मैं बोल रही हूँ सब में हम लोग थ्री ऐड करते हैं चलो माइनस करने से माइनस आ जाएगा एक्चुअली थ्री ऐड करते हैं तो थ्री ऐड करने से क्या क्या नंबर्स आ रहे हैं फाइव सेवन विच इज इफ आई मेक इट ओवर हियर फाइव सेवन ट्वेल्व है 5, 7, is, here, 5, 7, 12, ना इसका मीन कितना आ रहा है बहुत फाइव प्लस थ्री करना था आपको एट आएगा इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना क्या सेम आया कितना आया सबका रूट थर्टीन आ रहा है फॉर श्योर जो नहीं निकाल रहे हैं वो बहुत स्मार्ट है बोलो क्यों वो मेहनत नहीं कर रहे एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे हैं बाकी सब तो निकाल ली ना जैसे ये इसका कैलकुलेटर ऑन ही नहीं हुआ है क्या, क्या, क्या करेगा इतना एनर्जी सेव करके तो मेंटली भी तो तुम आंसर नहीं दिया नॉट सो स्मार्ट जितना तुमको लगता है तो ये वाला जो स्प्रेड है और ये वाला जो स्प्रेड है इस सेम ना आइडियली स्प्रेड सेम है तो आपका स्टैंडर्डिविएशन भी सेम आएगा सो इफ यू एड और सब्ट्रैक्ट एनी नंबर टू ऑल द नंबर्स सेम वेरियंस सेम सो लोकेशन चेंजेस जैसे मीन फाइव से एट हुआ यहां देखो लोकेशन आपका पहले था फाइव ये आपका मीन था अब आपका लोकेशन चेंज हो रहा है खाली स्प्रेड तो नहीं चेंज हो रहा ना क्योंकि आप सब में सेम नंबर ऐड करो या माइनस करो गॉट द पॉइंट यस गॉट इट सेम चीज लेट्स डू टो सेम चीज क्या क्या नंबर्स थे टू फोर एंड नाइन आई एम में सारे नंबर्स में लेट्स डू वन थिंग लेट्स मल्टीप्लाई ऑल द numbers बाय 5 सैंडर डिवेशन हमें पता है इनका आ रहा था रूट थर्टीन एवरेज आ रहा था फाइव ना तो अब इस सब में आपको क्या करना है फाइव से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा टेन इसका मीन कितना आ रहा है फाइव इन टू फाइव ना ये तो हमने पढ़ ही लिया था कल फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव आया करके भी देख सकते हो ऐड कर लो सबको सेवेंटी फाइव बाई थ्री नहीं तो फिर अब आप लोग स्टैंडर्ड डिविएशन निकालो चलो <coughs> सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल के बताओ निकालो उसको ऑन करो फोर्टीन पॉइंट सिक्स ये आ रहा है क्या सबका रूट ऑफ फाइव टाइम्स रू थर्टीन फाइव टाइम्स रू थर्टीन ज्यादा हुआ कि कम अलग क्यों आ रहे है कर लो ना चलो टेन माइनस ट्वेंटी फाइव तुम एन से डिवाइड किया कि एन माइनस वन एन से क्या होगा तुम इसलिए तुम्हारा अलग आ रहा है एन माइनस वन से डिवाइड किया होगा तुम लोग एन से क्या होगा सॉरी एन माइनस वन से करना है किस से डिवाइड करना है टू से अब करो तो ये गलत है फिर बट ये सही है बट ये सही है ये रूट के अंदर क्या आ रहा है विच इज वॉट ट्वेंटी फाइव इन थर्टीन यस विच इज वॉट फाइव रूट थर्टीन हाँ अब देखो वहां एक बार पीछे जाते हैं ये नंबर्स थे टू फोर नाइन अब आपके नंबर्स क्या हैं अब आपके नंबर्स क्या हैं टेन ट्वेंटी कैन यू सी द स्प्रेड वाइडनिंग अच्छा फाइव से किया था ना हमने कैन यू सी द दिस थिंग वाइडनिंग स्प्रेड यस और नो यस तो हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग एनीथिंग टू योर ओरिजिनल वैल्यूज़ बट व्हेन यू मल्टीप्लाई और फॉर दैट मैटर इवन इफ यू डिवाइड तो वो श्रिंक हो जाएगा ना स्प्रेड कम हो जाएगा सो इफ़ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड योर स्टैंडर्ड डिशन गेट्स अफेक्टेड स और नो तो न्यू स्टैंडर्ड डिशन इज इक्वल टू आपका जो ओल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन था मल्टीप्लाइड बाय ए इफ यू आर मल्टीप्लाइंग इट बाई ए एंड न्यू और डिवाइडेड बाई ए एंड न्यू वेरियंस इज वेरियंस मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर क्योंकि वेरियंस वहाँ क्या आएगा थर्टीन और यहां वेरियंस क्या आएगा इसका स्क्वायर थ्री ट्वेंटी फाइव गॉट इट ये वाला कॉपी कर लो एंड ये पूरा चीज ट्रांसफॉर्मिंग द डेटा कॉपी कर लो ये जो अभी आप लोग स्टेटिस्टिक्स पढ़ रहे हो ना ये आप लोग को फॉर लाइफ पढ़ रहे हो आप लोग इतने अंदर इन डेप्थ घुस के स्टिस्टिक्स आप लोग कभी नहीं पढ़ोगे अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है तो कभी नहीं समझ आएगा ये समझ लेना फील आना चाहिए फील आया इसका फील लेना था ये जो फील वर्ड है ये व्हेन आई वाज डूइंग माय एसपी फाइव सो आई फेल्ड एसपी फाइव फॉर टू टर्म्स ठीक है फिर थर्ड टर्म में व्हेन आई वाज अ मतलब मैंने फर्स्ट टर्म पढ़ा नहीं था ऐसा नहीं कि आई एम मेरा दिमाग अच्छा नहीं दिमाग अच्छा है फर्स्ट टर्म आई डिन नॉट स्टडी तो मेरे को लगा एस पी फाइव ना इस वैसे बोलते ईजी होता है ठीक है बैठक एग्जाम में नहीं हुआ सेकेंड टर्म में स्टडी बट एक मार्क से फेल हो गए एंड थर्ड टर्म में मैंने वो स्टार्टिंग आई वॉज ग्रुप स्टडिंग विद समन काफ़ी सीनियर है तो हम लोग ऐसे डिस्कस करते थे तो हम लोग जब कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करते तो ही वॉज लाइक फील आया कॉन्सेप्ट का फील आया तो तब से मेरे को ये आ गया कि यू शुड हैव द फील ऑफ द कॉन्सेप्ट जब तक फील नहीं आएगा तब तक समझ नहीं पाओगे क्लियर है

चलो उसकी उनस और उसके नीचे एक जन कमेंट किया कि अनम्यूट एंड आस्क चलो लोग का अलग मस्ती चल रहा है हाउ ये लास्ट है आज का ठीक है आज मैं प्रोबेबिलिटी न्यू टॉपिक में नहीं ये कंटिन्यूएशन ही है तो सेंट्रल मोमेंट क्या हुआ एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन डेट इज योर फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट सेकेंड हो जाएगा स्क्वायर थर्ड हो जाएगा क्यू एन ऑन अंडरस्टूड तो शेप पता चल सॉरी uh, हम लोग को लोकेशन पता चल गया स्प्रेड पता चल गया अब हम लोग को नेक्स्ट क्या देखना है शेप देखना है तो शेप देखने के लिए हम लोग स्क्यूनेस चेक करते हैं पॉजिटिवली स्क्यू नेगेटिवली स्क्यूड बेसिकली आपका जो जैसे हम लोग क्या बोल रहे हैं ये हमारा लोकेशन है डेटा का तो उससे कितना इसी में करा देती हूँ ये जो हमारा लोकेशन है डेटा का ये सिमेट्रिकल मैंने बनाया ये जो लोकेशन है विच इज योर मीड मीडियन मोड सेम होगा तो ये जब आप देखते हो कि, कि देखो दो एक दो चीज समझना ये सिमेट्रिकल डेटा है लेट्स ये एक टाइप का डेटा है ये एक टाइप का डेटा है।, है दोनों सिमेट्रिकल है दोनों सिमेट्रिकल है पर हो सकता है इसका जो टेल्स है इसको हम लोग टेल्स बोलते हैं वो थोड़ा और उधर एक्सटेंडेड है तो उसका स्प्रेड हम बोलेंगे ज़्यादा है वेराज इस वाले का स्प्रेड हम बोलेंगे कम है दैट्स द स्प्रेड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द शेप वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट वॉट सो उससे आपको शेप नहीं पता चला ठीक है ना अब हम लोग बात करेंगे शेप का तो शेप का हम लोग बात करेंगे यूजिंग स्क्यूनेस हाउ एमेट्रिकल द डिस्ट्रीब्यूशन इज मतलब यहाँ स्क्यूनेस जब मेजर करते हैं हम लोग देखना चाहते हैं कि डेटा हमारा सिमेट्रिकल है या नहीं एंड अगर नहीं है तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है तो जब हम लोग वेरियंस निकाल रहे थे हमने बोला कि इट्स ऑलवेज पॉजिटिव स्टैंडर्ड सैनिटिजेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव बट स्क्यूनेस इज द मेजर फॉर द शेप और द स्क्यूनेस ऑफ द डेटा विच यूजिंग विच इट कैन बी प्लस माइनस और जीरो इफ इट इज जीरो तो हम लोग बोलेंगे द डेटा इज सिमेट्रिकल इफ इट इज पॉजिटिव पॉजिटिवली स्क्यूड हो गया इफ इट इज नेगेटिव तो वो नेगेटिवली स्क्यूड हो गया सो so, बेसिकली हम लोग क्या करें थर्ड सेंट्रल मोमेंट कैलकुलेट करेंगे जैसे वेरियंस वॉज द सेकेंड सेंट्रल मोमेंट मीन इज वॉट वॉट फर्स्ट वॉट फॉर्स्ट सेंट्रल मोमेंट फर्स्ट मोमेंट सेंट्रल मोमेंट कैसे कर सकते हो माइनस मीन थोड़ी कर रहे हैं तो मीन इज फर्स्ट मोमेंट अराउंड जीरो या फर्स्ट मोमेंट 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 एंड इज इज योर सेंट्रल सेंट्रल स्क्यूनेस थर्ड क्योंकि अगेन हम मीन के ही लेफ्ट राइट right देख रहे हैं बट क्योंकि हमें वी आर इड विथ प्लस माइनस साइन एज वेल दैट इज वी आर टेकिंग अ क्यूब हम लोग यहां पे टू दी पर वन नहीं कर रहे हैं. क्यों क्योंकि वो जीरो हो जाएगा हमने देखा ना फर्स्ट में ही का एवरेज जीरो हो जाएगा और टू करेंगे तो वो स्क्वायर आएगा हम लोग प्लस माइनस नहीं मिलेगा तो इसीलिए हम लोग क्या लेते हैं क्यूब गॉट इट अंडरस्टूड ठीक है सो इट्स वेरी सिंपल यहाँ पे वही एक्सप्लेनेशन है द क्यूब एनश्योर्स दैट द साइंस कम इन टू द रोल पॉजिटिव नेगेटिव ठीक है <coughs> अब देखो ये वाला जो आपको डेटा गिवन है इन दोनों डेटा में यह आपको देख के लग रहा है दिस इज स्लाइटली पॉजिटिवली स्क्यूड एंड ये वेरी पॉजिटिवली स्क्यूड द रीजन इज आप लोग को शेप सेम सेम लग रहा होगा बट इसका जो टेल है ना ये काफी लॉन्ग होता है एंड दैट इज वाई ये जो आपका मोड है इसके राइट right साइड में देर आर मोर वैल्यूज सो दिस इज कंसिडर्ड टू बी वेरी पॉजिटिवली स्क्यूड बिकॉज इसके राइट right में एंड ये जो विथ है ये जो ये सब डिटेल में और हम लोग पढ़ेंगे ये जो विथ है इज मोर देन दिस विथ इसका क्या मीनिंग है मैं आप लोगों को समझा रही हूं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे बट जस्ट टू गिव यू ऑल एन आइडिया ये आपके एक्स वैल्यूज हैं इधर हमने कल डॉट प्लॉट किया था ऐसे ऐसे हम ऐसे डॉट प्लॉट बना रहे थे ना है ना तो ये आपके एक्स वैल्यूज है एंड ये आपका फ्रीक्वेंसी है करेक्ट है तो जब आप बोल रहे हो ये हाइट ज्यादा है मतलब इन वैल्यूज का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है बट यहाँ पे जो लार्जर वैल्यूज ऑफ एक्स है वो पॉसिबल नहीं है वेराज इस केस में हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो वैल्यूज है यहां वाले इसका फ्रीक्वेंसी इतना ही है कम है बट यहाँ लार्जो वैल्यूज ऑफ एक्स इज पॉसिबल लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल सिंस ऑल ऑफ यू आर इन एक्चुरल नाउ सो वी कैन रिलेट टू दिस एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल एक इंश्योरेंस uh, कंपनी है ठीक है वो उसने फायर इंश्योरेंस करा ठीक है सी एस टू में जब ये 2019 में सिलेबस चेंज हुआ था तो सी एस टू में एक टॉपिक आया था एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी जो कि पहले एक्चुअली में नहीं था कि, किसी भी पेपर में नहीं था सी एस टू में उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया क्यों इंट्रोड्यूस किया फॉर एग्जाम्पल फायर इंश्योरेंस है या कोई भी है कुछ भी एक इंश्योरेंस हम ले लो तो उसमें एक वन ऑफ इवेंट हो सकता है मतलब अचानक से क्या हुआ पूरे कॉलोनी में आग लग गया ठीक है ना तो पूरा कॉलोनी डिस्ट्रॉय हो गया सुनामी आ गया पूरा एक एरिया डिस्ट्रॉय हो गया यस और नो तो सारे लोग जाके क्लेम करेंगे कोविड आया एकदम ह्यूज स्पाइक वेरी बिग क्लेम अमाउंट अगर कंपनी के पास जाता है और कंपनी वो क्लेम अमाउंट अगर नहीं पूरा कर पाता है तो कंपनी डूब जाएगा इंसॉल्वेंट यस और नो सो कंपनी नीड्स टू मॉडल दोज एक्सट्रीम इवेंट्स येस और नो कंपनी नीड्स टू मॉडल एक्सट्रीम इवेंट्स एंड दो एक्सट्रीम इवेंट्स आर बेसिकली दीज इवेंट्स जिनका फ्रीक्वेंसी चांसेस ऑफ हैविंग इवेंट्स इज वेरी लो चांसेस ऑफ हैविंग कोविड वंस इन मे बी हंड्रेड इयर्स बट द अमाउंट दैट यू गेट द क्लेम अमाउंट दैट यू गेट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सिवियरिटी इज वेरी हाई ये मेरा आर है। सिवियरिटी इज वेरी हाई बट द चांसेज या प्रोबेबिलिटी या फ्रीक्वेंसी इज वेरी लो सो सिंस द चांसिस ऑफ दोज इवेंट्स आर वेरी लो यूजली कंपनी उसमें फोकस नहीं करते बट अगर कंपनी फोकस नहीं करते ऐसा कोई आ गया वन मिलियन का क्लेम आ गया उनके पास तो बर्बाद हो जाएंगे अगर नहीं पे कर पाएंगे टेन मिलियन का क्लेम आ गया तो वो नहीं मीट कर पाएंगे है चांसेस लो सो so, उसको मॉडल करने के लिए उन्होंने ये चैप्टर बनाया एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी जो हम लोग पढ़ते हैं सी एस टू में जहाँ ये जो इवेंट्स है खाली ये वाले हम लोग इस पर फोकस करते हैं ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ क्लेम अमाउंट्स बट हम लोग इस पे नहीं हम लोग खाली इस पार्ट को जूम करके इस पर फोकस करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी वेरी इंटरेस्टिंग

<coughs> इनका क्या था फॉर्मूला एक्स माइनस एक्स बार होल क्यूब डिवाइडेड बाय एन तो इसका एक्स बार निकाल लो पहले वाले का क्या आ रहा है क्विकली एक्स बार कितना आ रहा है एक्स बार इज थ्री और ये वाला सॉल्व करो कितने वैल्यूज है वन टू थ्री फोर फाइव टेन वैल्यूज़ हैं इसको मैं करनी दे देखो वन माइनस थ्री का क्यूब प्लस टू माइनस थ्री का क्यूब वैसे करके सॉल्व करेंगे बहुत लंबा क्यों होगा एक सेकंड लगेगा टाइप करना स्टार्ट तो करो वन माइनस थ्री कितना होता है कितना होता है माइनस टू बस माइनस टू का क्यूब कितना होता है माइनस एट तुमको माइनस एट लिखने का ली उसमें इसीलिए तो इजी नंबर्स लिए मैंने मेहनत से डर जाओगे अभी तो कैसे होगा फिर यू आर नॉट इवन वन परसेंट क्लोज और थोड़े स्मार्ट स्टूडेंट्स जो होंगे वो इसको साथ में लेंगे बेसिकली कैसे करेंगे बताए कोई स्मार्ट नहीं है ना टू इन टू कितना थ्री है डिवाइडेड बाय टेन बस हो गया मल्टीप्लाई करना था ना एक एक सेपरेटली क्यों करना है ये फ्रीक्वेंसी टेबल के जैसे समझो ना तुम कुछ क्यों नहीं कर रही हूं? हो गया क्या आंसर आया आंसर ज़ीरो है क्योंकि ये क्या है सिमेट्रिकल है तो जीरो आने का ये मतलब नहीं कि गलत आया हमारा हाँ वो ऐसे बोल रही कि उसका उसको लगता है उसका गलत आ गया सही है फ्री वन कितने वैल्यूज हैं फोर के एंड फाइव के वन वैल्यू है हुआ सिमेट्रिकल तो ज़ीरो आएगा स्क्यूनेस स्क्यूनेस ज़ीरो मतलब सिमेट्रिकल सेकेंड वाला करो एक्स बार कितना आ रहा है इसका करेक्ट है डरो मत ये इसको साथ में लेना स्क्यूनेस बताओ कितना आ रहा है ऐसे कर देना जीरो पॉइंट पॉजिटिव है ग्रेटर देन जीरो देफो लिख दो पॉजिटिवली स्क्यूड इसका अगर डॉट प्लॉट बनाओगे तो कैसा बनेगा वन स्क्यूड ठीक है यही अगर थोड़ा और नंबर्स होता है सिक्स सेवन एट तो ये थोड़ा और ऐसा हो जाता एंड तो उसको हम लोग बोलते ये होता है स्लाइटली पॉजिटिवली स्क्यूड जो हम लोग ऊपर डिफरेंस देख रहे थे एंड वेरी पॉजिटिवली स्क्यूड जो एकदम एंड तक स्ट्रेच रहेगा ये इसको हम लोग बोलते हैं टेल्स ये जो होता है ना टेल्स बोलते हैं इसको तो इसका जो पॉजिटिवली स्क्यूड का टेल है ना वो बहुत जल्दी कट ऑफ हो जाते हैं वेन इट इज जस्ट स्लाइटली पॉजिटिवली स्क्यूड एंड इस केस में इसका टेल लॉन्ग होता है लॉन्ग टेल बोलते हैं मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज या हाई वेरी हाई वैल्यूज ऑफ एक्स इज पॉसिबल ऑल्दो द फ्रीक्वेंसी इज लो बट स्टिल इट इज पॉसिबल लास्ट सम, एक्स बार क्या आएगा वाह दोनों कर लिया तो बेकी बच जाओ है न एक्सपायर क्या आया नेगेटिवली स्क्यूड देख के पता है बट आंसर बताओ क्या आ रहा है स्क्यूनेस का माइनस गलत ठीक है सो नेगेटिव है लेस देन जीरो देफोर नेगेटिवली स्क्यूड एंड ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्क्यूनेस नीड्स टू बी बिटवीन दिस नंबर दिस नंबर नहीं एनी नंबर इट हैं एक का स्क्यूनस टू पॉइंट नाइन है एंड हम लोग स्ट्रेंथ पता चलता है तो अभी आई नॉट गोइंगस कैन बी एनी नंबर ऑल राइट अंडरस्टुड डन हाँ बोलो क्या क्या <laughs> हाँ स्क्यूनेस में क्या तो तो द्टरांग द्टरांग हाँ हाँ हाँ? तो 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 हाँ हाँ आवाज नहीं आ रही तो एक तुम लोग एक मिनट एक मिनट शांत रहो एक मिनट हाँ बोलो स्प्रेड क्या स्क्यूनेस में मल्टीप्लाई करते हैं स्प्रेड में भी मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी के जैसे ये पूछ रहे हो क्या हाँ, स्प्रेड में भी वेरिएंस में भी कर सकते हो एक मिनट रुक जाओ प्लीज अगर इसका वेरिएंस निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे एक्स बार निकला हुआ है तो वेरिएंस कैसे निकालते हैं एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर तो जीरो माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्लस टू माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्लस क्या है थ्री है ना थ्री दो बार है तो टू इन टू थ्री माइनस एक्स बार का स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं इसमें आंसर सेम आएगा गॉट इट यही क्वेश्चन था क्या ठीक है डन नहीं सेम नहीं होता है हाँ डिविएशन्स हाँ हाँ सेम नंबर्स का नहीं क्यों बोल ना इधर आपके डिवियेशन्स देखो मीन से जब माइनस ये वाला मीन आपका ऐसा आ रहा है मीन अगर हम इसका लें थ्री आ रहा था तो यहाँ पे ये तो एनी वे anyway, ज़ीरो आएगा नहीं अगर वो जीरो आ रहा है देन इट्स अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्यूब देखो जब हम लोग वन ले रहे हैं तो सारे जीरो आ रहे हैं इसमें तुम वन के लिए करोगे तो सारे जीरो आएंगे है ना तो स्क्वायर करते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड द स्प्रेड एंड क्यूब करते हैं टू अंडरस्टैंड द शेप और अगर क्यूब करने के बाद भी जीरो आ रहे हैं मतलब सिमेट्रिकल है क्योंकि तुम बोल रहे हो सेम डिविएशन है अगर मीन के दोनों तरफ सेम डिविएशंस है तो ऑब्वियसली सिमेट्रिकल है तो जीरो आएगा ठीक है ना और कोई डाउट हंस क्यों रहे तुम चलो थैंक यू बाय बाय